श्रीशुक उवाच एवं मामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्धुमारेभे प्रदाभद्यान् वमोदत। जब सबसे पहले जहर निकले लगा, सभी शंभू से प्रार्थना किए और वे भी अपना अर्धांगिनी पार सन्मति को प्राप्त करके एवं आमंत्रित इस प्रकार से पार्वती आमंत्रित करके भवानी मामंत्रिय भगवान विश्वभावना विश्व का कल्याण को चाहने वाले परमात्मा तद विषम उस जहर को जगधुम आरेभे उसको खाने आरंभ किया। प्रभावज्ञा अंगमोदत प्रभाव को जानने वालों के अनुमोदन किया जा रहा था तब उन्होंने खाना आरंभ कर दिया। तथा करतली कृत्य व्यापी हालाहलं विषं अभक्षयन् महादेव कृतया भूत भावनः। तथा करतली कृत्य उसके अंतर करतल को एक संपुटित करता हुआ उस हालाहल विष को उन्होंने अपने अंदर ग्रहण करते हुए सव्यापी परमात्मा व्याप्तिशीलम व्याप्त होने की स्वभाव वाला जो हालाहल था, व्यापी हालाहलम का विशेषण है, सर्वत्र व्याप्त होते हुए स्वभाव वाला जो हालाहल विष था उस विष को करतलीकरण करके अभक्षण महादेव कौन किया, महादेव ने, क्योंकि ये भूतंग कल्याण के चाहने वाला परमात्मा कृपा करते हुए सभी पर इस तरह से ग्रहण करने लगे। तस्यापि दर्शया हमास स्वीर्यं जल कलमसः यच्चकार गले नीलं तच्च साधो विभूषणम्। तस्यापि स्वीर्यं जल कलमसः दर्शयामास तस्यापि तत्रापि तत्रापि जो है जल कलमसः जल जो दोष जो विष था उसने क्या किया, अपना सामर्थ्य को भी दिखाया, चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो उनका उनका अपना असर वो कर दिखा रहा है। क्या दिखाया उसने अपना असर, ये चकार गले नीलम उस अपना गर्दन में गले के भाग में क्या हो गया, नीला रंग हो गया। तप्त साधन भूषण वह भी संत पुरुष ने आभूषण बन गया और नाम हो गया नीलकंठ भगवान। लक्षणता है कि विशुद्धि चक्र से नीचे भी जड़ उतर जाता है तो फिर कोई उसे पचा नहीं सकता है, वो तो भस्म होगा पक्का। विशुद्धि चक्र से नीचे चाहे जड़ आवे चाहे अमृता दोनों ही जहां यहां से नीचे आ गया वो अब भस्म हो गया, निरर्थक हो गया, उसे कोई पचा नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया जो बिंदु चक्र से अमृत आ रहा है इधर से उन्होंने जड़ डाला, वह अमृत ने जहर को विशुद्ध चक्र में टक्कर दिया और अमृत के कारण से वह जहर जो है वह स्तब्ध हो गया, नीचे उतर नहीं पाया। यदि नीचे उतरता है वो पूरा शरीर में व्याप्त कर शरीर खत्म हो जाता। प्रसिद्ध महापुरुष है शंकर भगवान तो सर्वसिद्धि है ही है, उन्हें तुरंत ही बिंदु चक्र को जागृत किया और वहां से जो अमृत को जो अमृत श्रावणी थे सभी के अंदर है, सभी के अंदर अमृत श्राव हो रहा है, फिर वह अमृत क्या हो रहा है सीधे मणिपुर चक्र में चला जाता है, भस्म हो जाता है और भस्म करके निरंतरता के शौचालय अन्य प्रक्रियाओं से बाहर चला जाता है। और उसी अमृत को योगाग्नि उसी जो जाठराग्नि को बदल करके योगाग्नि में परिणत जब करता है व्यक्ति तो वह योगाग्नि से वही अमृत ओझ हो जाता है। इतना ही स्वशरीर सकल वीर्य भी ओझ में परिवर्तित हो जाता है, उस ओज के माध्यम से व्यक्ति अपना योग मार्ग से प्राणायाम आदि यानी सीधे शक्ति से क्रियाओं के द्वारा कुंडली जागरण के लिए उपयोग कर लेता है। इसके क्या करते हैं विपरीत करण मुद्रा का अभ्यास, क्रिया योग का मूलभूत जो है क्रिया है तो विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करने में क्या है, आप जब भी 24 घंटा बैठे हैं लेटे हैं खड़े हैं घूम रहे हैं फिर रहे हो जा रहा है, सूर्य नीचे चंद्रमा ऊपर है, नतीजा क्या है यहां से अब अमृत सूर्य में भस्म हो जाता है। ठीक विपरीत करना है तो विपरीत कर लिया और सूर्य ऊपर चंद्रमा नीचे, विपरीत गर्मी क्या होता है आप गर्दन नीचे है पैर ऊपर उठाए हुए हो तो
नाभि ऊपर हो गया तो मणिपुरन चक्र सूर्य ऊंचा होकर स्थान पर पहुंच गया और चंद्रमा नीचे रह गया। इस स्थिति में रह करके जब ये जब प्रवाहिका जब चल पड़ती है तब ऑटोमेटिक जो प्रक्रिया जो सदा चल रहा है भस्मीकरण प्रक्रिया वो बदल करके ओजस्विनी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इंद्र आसनों में सर्वांगासन सर्वश्रेष्ठ जिसका पुरुष रूप है उपरितकरणी मुद्रा वही जो क्रिया आरंभिक अभ्यासों में इसलिए लिया गया। इसके विपरीत जब तक नहीं कर पाएंगे हम लोग अपने आंतरिक विद्यमान जो दिव्य शक्तियां हैं उसको कभी हम उपयोग ही नहीं कर। वही चीज को है दूसरे तरीके से समझा रहे भगवान ने जो है एक पैर नीचे रखे हैं। देखो आसन में कैसा है भगवान का वीरासन पर बैठे हुए हैं। भगवान इस समय शिव जी वीरासन पर बैठे हुए रहते हैं और हाथ को जो है आवाहन मुद्रा में स्थापित किए हुए आवाहन में स्थापित करके उस मुद्रा से जो है वो जहर को स्वीकार कर रहे हैं बाहर से और आंखें उनकी ऊपर की ओर टिका हुआ है ताकि जो बिंदु चक्र को जागर करके वहां से वो अमृत को उतार रहे हैं। तो दोनों का सम्मिश्रण होने के कारण से वह जहर वहीं पर शांत हो जाता है शरीर में जाप नहीं हो पाए। यही कला हम लोगों के अंदर क्या होते पीएल ग्लैंड बोलते हैं अंग्रेजी में वैज्ञानिक लोग जिसके कारण से आप चोटी रखते हैं वहां से भी एक श्राव निकलता है वो जहरीला होता है बहुत ही भयंकर कड़वा नित्य निकल रहा है। लेकिन होता क्या है भगवान के सिंह कृपा से वो जहर के साथ में बिंदु सर से अमृत भी आ गया दोनों ही नीचे उतर गए दोनों ही स्वभाव में व्याप्त हो गया दोनों मिश्रित होकर दोनों भस्म हो जाते हैं। अतः आप लोग जिंदे नहीं तो मर जाए दो दिन भी कोई जिंदा रह सकेगा। ये प्रक्रिया जो चलती है स्वाभाविक इसके विपरीत करना पड़ता है तब व्यक्ति का अपना आध्यात्मिक प्रगति आध्यात्मिक द्वार खुलने लगता है। उसी को दूसरे कथा के रूप में यहां पर समझा जहर को शिव जी ने कैसे स्वीकार किया वो अपना सामर्थ्य को दिखाया का मतलब दिया गले में नील भाग को कर दिया अमृत को श्वेत मानते हैं विष को काला मानते इसी कारण से कहते हैं कालापन अपना स्वभाव दिखाया और श्वेतपन अपना स्वभाव दिखा रहा है इसलिए भगवान क्या है गौरांग बोलते गौर स्वरूप है कर्पूर गौरव कहते हो रजत गिरी निभम ये सब शब्दावली प्रयोग किया अमृत अपना स्वभाव क्या दिखा रहा है पूरा शरीर में वो अमृतमय है उनके अंदर नहीं जर का केंद्रत्व उतने मात्र अपना स्वभाव दिखा दिया। अभी जिस प्रकार से ये आप देखते उसी प्रकार से जब आप अपना अमृतमय स्वरूप का अनुभव करेंगे यह संसार का रहेगा तो संसार का विषय एक बूंद के समान एक बिंदु के समान एक स्थान विशेष मात्र पाद से भूतांत पाद से अमृत जैसे देश विशेष में केंद्रित हो जाता है और आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसे संसार रूपी जहर को मोक्ष रूपी अमृत ब्रह्म विद्या रूपी अमृत के द्वारा ही व्यक्ति बचा सकता है और अन्य कोई तरीका नहीं है। इसीलिए बता रहे संसार में मंथन चल रहा है पहले बता चुके हैं संसार मंथन है वो चीज समुद्र मंथन वो जो सबसे तरह निकलता है और उसको अमृतमयी शिव के अलावा और किसी की हिम्मत नहीं है कि रजोगुण प्रदान होकर कोई करना चाहे नहीं हो सकता तमोगुण प्रदान होकर करना चाहे नहीं हो सकता सत्गुण प्रदान वाला इसे नहीं कर सकता। इस समय शिव वो शिव ही तम प्रदान होकर के या शिव अमृत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप स्थित होकर के किया जा रहा है स्थिति है। जब तक ये नहीं मानी जाती है फिर जार का पचना असंभव हो जाएगा। इसलिए आगे वो विष्णु आदि सगुण की स्थिति करेंगे इस समय वो अपना ब्रह्म स्वरूप स्थित है। इसलिए कह आगे देखिए तप्तं देलोकतापेन साधवप्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः दुनिया तो लोक का किंचित ताप से तप जाते परेशान हो जाते छटपटाते रहते हैं अरे ऐसा हो गया ये हो गया वो हो गया दांत में दर्द हो गया तो परेशान नहीं आंख में दर्द हो गया तो परेशान आंख में छोटी सी मुट्ठी चली जाए कितना परेशान लोग के तापों से तप रहा है आदमी और परमात्मा लोग तापेना जनाः साधु जना भी प्रायश्चित करते साधु जन भी प्राय तप रहा है। एक दिन जेब में 10 रुपया न रहे तो साधु का दिमाग खराब हो जाए
सोचना फिर कहां से आएगा, क्या होगा, कैसे जल्दी अगला चलेगा। आज की जमाने स्थिति ऐसी हो चुकी है, किसी कारण से बड़े बड़े आश्रमों में रहने की कोशिश करते हैं, जहां बढ़िया व्यवस्था हो, खाना पीना खतरा ना हो कोई, लेकिन बाहर क्या खतरा ही खतरा है, कभी का भी भरोसा नहीं, चमचा भी करते रहते हैं। तो इसलिए साधनों भी प्रायशः तप्यन्ते एव परमाराधनं तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। इसलिए इस अखिलात्म पुरुष का यही परम आराधना है जो उन्होंने इस प्रकार लीला किया है। निशम्य कर्म तच्छंभो देव देव सिंह प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठस्थ शशंसिरे। इसमें क्या है, मूढ़ देव देवस्य शंभो है, देवादि देव शंभो, मूढ़ का इस महान कर्म को देख करके समस्त प्रजाएं, दाक्षर जितने प्रजापति लोग है, ब्रह्मा जी है, वैकुंठ में साक्षात विष्णु ही प्रशंसा करने लगे। पीते पीते कहीं इधर उधर देखा, भूल टपक गया हाथ से बाहर, होता है ना भाई, वेग से आ रहा है समुद्र का लहर के साथ धड़धड़ आ रहा है, तो पूरा पूरी कारण के इधर उधर छलक गया, वो जो नीचे गिर गया जहर, उसको जो खाए वो ये सब मच्छर आदि बन गए। वही कह रहे हैं तो प्रस्कन्नम के बसत्ता जगरे स्मतते वृश्चिक अही विषौषो दंडशू का उनके हाथ से पीते हुए इस परमात्मा के हाथ से ये किंचित प्रस्कन्नम जो कुछ भूल गिर पड़े हो नीचे, तो जग्रीष्म तक उस बिंदुओं को जो ग्रहण किए हैं, कौन कौन, वृश्चिक मिट्टू अभी मैंने शाम विषौषद्य जहरीले पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, और दंडशू काश्च इतने भी घसने वाले जिसे जहर चढ़ जाता है, खुजली होती है, जलन होता है, इतने भी तरह होते हैं, पहले ही ऐसा डर नहीं मौत की जगह बिच्छू का मौत थोड़ा हो जाता है, मच्छर भी काट लेता है, थोड़ी खुजलाता है, जलन से हो जाता है, ये सब दंड सुखों में गिनती होगी। तो जितने भी ऐसे जाति वाले या पर दंड सुखा ये सर्वे जगरी हो, ये सभी के सभी पनी बुंदों को पान किए थे, इसलिए आज भी वे जहरीले ही रह गए हैं। श्रीष गुरुवाच पीते करे वृषांकेण पीतास्ते अमरदानवाः ममन्तु तरसा सिंधु अविर्धानी तदो अभवत्। कहते कि देखो पीते इस प्रकार से गरे वृषांकेण वृषांक भगवान महादेव के द्वारा उस जहर का पिए जाने के बाद अमर दानवा प्रीता वे अमर देवता लोग और दानव लोग जो दोनों तरफ से खेच रहे रस्सी शिष्यनाथ को, वे क्या हो गए, ये प्रसन्न होकर के दोबारा मंथन करना आरंभ करने लगे। परसा जट पर से सिंधु ममंद हो तो हविधानी अब उसे काम भी प्रकट होगी, उसे काम भी प्रकट होगी, ये पहला वाला शिवजी ने लिए, दूसरे वाला ऋषियों को प्राप्त होगा, न सो में लिया न दान, कौन पाले गाय को झंझट है ना, चारा काट कर आओ ये काट कर कौन जो करेंगे दानव और न अमर करने को तैयार तो देवता लोग, ये ठीक है ऋषि लोग और काम क्या है, इनको गोखाले बैठे रखते हैं ध्यान भजन में, तो सब अपने गाय पाला कर, तो ये नहीं मालूम इसकी कितनी मौत है काम नहीं लोग का, इसलिए उन्होंने ऋषियों के मत्थे मार लिया। काम धेनु प्रकट हुई, उसका नाम हमें धानी भी है, काम धेनु यज्ञ और अयज्ञ सगल प्रकार के सामग्रियों को प्रदान करने के सामर्थ्य वाली होने से हविषि हविहि दीयते अस्मिभिः अनर्घ्याणि। ताम अग्निहोत्री मृषयो जग्रिहुर् ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य वेद्याय हविषेन्द्रप। हे परीक्षित, तम उस हविर्दानी रूप कामधेनु माता को अग्निहोत्री जगा देना, अग्नि में निरंतर हवन करने के योग्य सामग्री में प्रदान करने वाली होने से इसलिए उसका नाम दबा अग्निहोत्री पड़ गया। अग्निहोत्री उसको कौन ग्रह विषय जग्रह हो विषय है ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद ऋषि ने ग्रहण कर लिया, क्यों ग्रहण किया उन्होंने भी, कहते यज्ञस्य देवयानस्य देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंत फल प्रदान करने वाले
कर्मों का साधन होता मेघ ध्याय यज्ञ का संपादन करने के लिए आवश्यक होता, भविष्य प्राप्ति करने के लिए ही उन्होंने ग्रहण किया। भी कहा मुझे सकल प्रकार प्राप्त कर सकते थे, उन्होंने भोगों में नहीं इस्तेमाल किया उनकी यज्ञ सामग्री जो तत्व काल में कई बार उपलब्ध नहीं होते हैं, उसको माता से प्रार्थना करके प्राप्त कर देते, तद्वारा यज्ञ कर्म कांड करके तो ब्रह्मलोक को प्राप्ति का साधन को अपनाते थे। तथा उच्च श्रोभूत चंद्र पांडुरा तस्मी वरिष्पिहान चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। उसके बाद असुरों को मामला बन गया, असुरों को दिया जाएगा माल उच्च श्रवा नाम का घोड़ा। तथा उच्च श्रवा नाम हयो घोड़ा पैदा हो गया अभूत, वह चंद्र पांडुर चंद्र युव पांडुर ऐसा सफेद घोड़ा था कि कहीं मिलेगा नहीं ऐसा सफेद, चंद्रमा के सदृश चंद्र युव पांडुर केवल पांडुर तो मिल जाएंगे सफल घोड़ी, चंद्र के जो अमृत वर्षणी जो क्या श्वेत पना है जिसको देखते रहो तो 24 घंटा भी देखते रहे तो आनंद ही आनंद होती रहता है, आनंद की वृद्धि होती है, वो वैसी श्वेत रंग उच्च श्रवात वो उत्पन्न हुआ। तो उसका बलि की बड़ा लालच हुई तो बलि में जैसे कहा मैं लूंगा तो हाँ भाई ले लूंगा, उन्हें खुश भी कहा दुर्जन प्रति मध्य वाली बात है, जो मांगने में न दिल पर काम बिगड़ गया था और पहले बोल रखा था ईश्वर ने इंद्र को बोला था चुप रहा ना जो भी कहेंगे हम यहाँ करेंगे तो काम नहीं करेगा, इसीलिए कर इंद्र ईश्वर शिक्षा इंद्र न स्पियान चक्रे इंद्र स्पिया नहीं किया बलि ने स्पिया की तो उसको दे दिया गया। तथा ईरावतो नाम वारण इंद्रो बनिर्गत दंत चतुर्विश्वेताग्रे हरम भगवतो महिम। तो ईरावतो नाम उसके ईरावत नाम पर्वत पैदा हो गया हाथी, वो कैसा है वो कैलाश पर्वत की भी जो है महिमा को खंडित कर दिया, ऐसा सुंदर कैलाश पर्वत के जो श्वेतता है हिम के कारण से उसको भी फीका कर देने वाला ऐसा श्वेत हाथी ऐरावत हाथी पैदा। इसे कहें ना भगवतो मणि शिवस्य श्वेताग्र मणि कैलाशस्यापि महीम हरण, उसके लिए महात्म को घटाता हुआ हरण करता हुआ मानो एक तरह से चार दिव्य दांत दांत ऐसे थे इसके जो चार दांत थे एक एक दांत पहाड़ के समान दिव्य था कैलाश पर्वत के समान दिव्य था एक एक दांत बड़े दांत नहीं थी तुलना उपमा ऐसा होता है जैसे देखो आदमी वर्वृक्ष से चल रहा है, अरे आदमी वर्वृक्ष हो जाएगा होगा 8 से 5 फुट के होगा 7 फुट का नारियल पेड़ आ गया, हम नारियल पेड़ कहाँ से आ गया आदमी 8 फुट का है नारियल पेड़ आगे बोल दिया गया 25 फुट का हो गया, तो ऐसे ही होता उपमा में ऐसे ही समझ आ। वारण इंद्र विनिर्गत जलेंद्र जो है जल का जो इंद्र है कौन समुद्र उससे निकला अमरावत पर्वत हाथी परत भी है ना परत की सदृश हाथी, हाथी भी कैसा वारण इंद्र है वारण का हाथी, हाथी में जो इंद्र के समान है दिव्य हाथी वो जो है इंद्र को मिल गया वो इंद्र ले लिया इंद्र को दे दिया गया तो क्रम है ना पहले तो शिव जी ने लिए मुझे निराकार को प्राप्त हो गया तो निराकार को समझने वाले ऋषियों को प्राप्त हुआ और फिर उससे विरोधी नास्तिक असुरों को हुआ फिर आस्तिक सुरों को मिला फिर इसके बाद जो मिलेगा विष्णु तप का अपने तत्वता है कौस्तुभाग्यम अभूत रत्नम पद्म राघव महोदय तस्मी हरिस्प्यहां चक्रे वक्षो अलंकरणे मणौ। कहते कि भाई अलंकरण करने योग्य मणि था, अरे भगवान ने सोचा ये न इनको न उनको किसी को तो फायदा नहीं है ये अपने आप अपने गले में पहन लिए। कहते कौस्तुभाख्यम अभूत रत्न कौस्तुम नाम का रत्न पद्मराग रत्न ऐसे महान समुद्र से पैदा हुआ और उसमें हरि ने इच्छा करी और कोई भी विरोध नहीं किया, अगर पत्थर ले रहा है चमक दमक का पत्थर तो ले रहा है छोड़ो, न असुरों ने घूंघट करी न देवताओं ने कहा क्योंकि देवताओं के पास आभूषण की कोई कमी तो है नहीं और इस समय घटना में क्या था जब मंथन हो रहा उसे तीनों लोगों का राज्य तो उन लोगों का असुर लोगों का अपना मोह चल ही रहा था, उनके पास ऐसे सैकड़ों पत्थर थे ही उन्होंने छोड़ो क्या पत्थर आगे ले जाने
मेरे उसको कोई साथ करी क्यों हम महत्व पता नहीं उनके तो दृष्टि पत्थर से होते नहीं। ये तो अज्ञान की है महिमा, अज्ञान की यही महिमा है उत्कृष्ट वस्तु को भी निकृष्ट समझ गया। अच्छा देव नहीं बोला था पर सत ब्रह्म को भी असत समझने वाले मूर्खों के लिए ही इन विरोचन अध्याय आरंभ हुआ है नंदादी का। ये तो कहा था तो ब्रह्म को भी असत मानने वाले लोग दुनिया में इन तो कौस्तुभ मणि जैसे दिव्य मणि इसको जो है पत्थर मान रही है। अति उन्होंने शक्ति तो भगवान ने अपने आप अलंकृत कर उसको सम्मानित किया। अच्छा तदच्चाक्षर से हो जाता नहीं तथो भगवत पार जाता है सुरलोका विभूषण पूर्यत्यर्थी शश्वत भूयता भवान। कहते हैं कि भाई जैसे आप जो है राजा परीक्षित तथा रवान कह दिया जैसे आप राजा परीक्षित पृथ्वी का राजा होकर के जो जनता जो चीज चाहते हो सारी चीजों की उनकी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करते रहते हो। राजा पे धर्म कर्म गधा रहेगा ना कि प्रजा में कभी कोई कमी नहीं होती। राजा सब भ्रष्ट हो रखते हैं हमारे देश उसे सब खड़बड़ हो रहा है बेरोजगारी बढ़ रही जनसंख्या बढ़ रही हाहाकार मचा हुआ है कारण ही है राजा का। राजा अपने धर्म कर्म में निष्ठावान होकर कार्य करे अपने जो ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते रहे हित स्वाध्याय कर सब करे तो उस देश में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। यहां पर दिखा दिया जिस प्रकार तुम अपने देश की सब प्रजाओं को पूर्ण रूप में शश्वत निरंतर इस पृथ्वी पर जिस अर्थियों के अर्थों को पूर्ण करते हो उसी प्रकार से स्वर्लोक विभूषण पार जात भगवत स्वर्लोक का विभूषण होता पारिजात पैदा हुआ जो कि वहां के अर्थियों को सगल अर्थ प्रदान करने में समर्थ है। पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष इसी प्रकार कल्प वृक्ष पैदा हो गया और उसे स्वर्लोक में रखने में कोई विरोध नहीं किया। क्यों उस समय तो बड़ी राधे तीनों लोगों का उधर कहीं भी रखो मेरा ही तो है विरोध क्यों करेगा। यदि पहले स्वर्लोक देवताओं का हो जाता और बलि इसको मालूम होता मैं रसातल में जाने वाला हूँ भविष्य में तो कहता हूँ इसको रसातल में इसमें तो बोध है कहाँ ले जाए वो स्वरूप में नहीं रहेगा हमारा रसातल में रहना है। अब इसे नहीं बोल रहा है तुम बोलो मैं तो तीनों लोगों का राजा हूँ कहीं भी रखो तो मेरा ही है ये मान करके किसने कोई विरोध नहीं किया और विरोध करके तब असुर के विरोध करते देवता ने तो कहते ठीक है हमारे लोग जा रहा है क्या आज कल हमारा तो है वो लोग अभी रहने तो वहां पर तो इसलिए वो भी विरोध करने का प्रश्न नहीं था विरोध कर सके तो असुर उनसे नहीं कर रहे कि वर्तमान त्रिलोकों का स्वामी है बलि अतः वो कुछ भी विरोध नहीं कर पा रहा और उसको जहां रख रहे हैं उसको रख रही दिया। इधर अफसरों को भी कहते मुझे तो ऐसा नहीं बोलेगा रखो हाँ हम बाद में जाएंगे अभी तो मंथन कर रहे हैं हाँ बाद में स्वर्ग में जाएंगे मौज करेंगे क्या दिक्कत अब रखो उसको स्वर्ग में कोई अफसरों को स्वर्ग में रखा जा रहा है प्रसादन को नहीं भेजा जा रहा है तो कोई विरोध नहीं हो रहा है। तपश्चात सर से हो जाता निष्कंठ सुवास रमण्य स्वर्गना वर्गु गति उसके बाद अब सराय पैदा हुई सातवा पहला जारुआ दूसरा हृदय काम भी हो गई तीसरा उच्च श्रवा चौथा ऐरावत हाथी पांचवा कुस्तुभि छठा कल्पवृक्ष सातवा ये अब सराय पैदा हुई और शरीर के गले में विभिन्न प्रकार के आभूषणों से निष्कंठिया स्वर्णाल से बना हुआ आभूषण जड़े हुए थे सुरास सा तो हर हाल पहला है ना विश्व वही नहीं उसके सही पहला नंबर ऋषि को गिन रहा हूं मैं सातवा है ये पहला नंबर ऋषि ने गिनाया है विश्व अविरदानी उच्चिश्रा इरावत प्रोत्तुम कल वृक्ष और अक्षर तथस्थ अक्षर से हो जाता निष्कंठ सुवास सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं रमण्य रमण करने योग्य है सारी की सारी नारियां स्वर्गीय नाम किन किन रमण्य है वो स्वर्गियों के द्वारा स्वर्ग गण गामी सकल लोगों के द्वारा रमण करने योग्य है। और कृति क्या है वल्गु गति लीला वलोकन नहीं वो वल्गु भी गत्यादि स्वर्गीय नाम रमण्यो अर्थ करती है बहुत सुंदर गमन सुंदर हाल चाल चहल पहल बोल चाल सब कुछ भाव वगैरह ऐसा सुंदर करते हैं कि अगले को आकर्षण कर देते हैं ऐसा आकर्षण करते हैं उनकी चित्त को प्रसन्न करते रहते हैं चाहे ये नहीं है कि देवताओं को ऐसा नहीं
कर्म के अंदर कर्म देवता आजान देवता सब जो कर्म करके जाए सर उनके घरे आप ऐसे कर्म क्या वैसे कर्म क्या भी करते हैं अपना प्रसन्न हो जाता है ऐसा को अरे आपने ऐसा काम किया तो बड़ी खुशी होती नहीं होती है अच्छा काम किया आप बड़ा खुश होगा आज भी देखा तुमने धक्का मार डाला तभी खुश होते हैं बुरे काम में तो खुश होने वाले बहुत है आजकल आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे बाजू तो खैर इतर से वो उनका अपना कर्म था उसके बाद जब पैदा हो तो इसके पीछे तो सारी दुनिया पड़ जाएगी तो चावी रघुत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंगयंती दिशा क्रांत्या विद्युत सौदामनी यथा आठवीं में लक्ष्मी पैदा हुई आठवीं में लक्ष्मी पैदा हुई है तस्या आवी रघुत साक्षात साक्षात लक्ष्मी उसके समुद्र मंत्र से प्रकट हो गई रमा सबको रमन कराने वाली है लेकिन वो अपने हृदय से भगवान को चाहते हो किसी को भगवत परा भगवान निष्ठा है वो दिशा क्रांतिया रंजयंती दसों दिशाओं को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई विद्युत सौदामनीयता जैसे जो है सुदामा नामक पहाड़ की ओर से चमकता हुआ बिजली दसों दिशाओं की ओर चमकता है बिजली का नाम है सौदामनी सुदामन नामक एक पहाड़ है उस पहाड़ की ओर से सामान्य रूप में चमकता है बिजली और दूसरे दिशा में व्याप्त हो जाता है इस बिजली का नाम सौदामनी विद्युत जिस प्रकार से उसी प्रकार से वह द्वितीय देवी प्रकट हुई है अब उसमें भले भगवान ने कह दिया कोई प्रयाण न करे देवताओं को बोल रखते हैं कहा माने ऐसी चीज आ गई तो तस्याम चतुष्पयाम सर्वे ससुरासुर मानवाः रूपौदार्य वयोवर्ण महिमा क्षिप्त चेतसः कहते कि देखो ऐसा दिव्य चीज आ गया है सभी नियम उल्लंघन हो जाते हैं तस्याम चतुष्पयाम सर्वे उस देवी को देख करके सभी इच्छा कर लिया कि मेरी हो जाए कौन कौन ससुर 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 जी ससुर जी ऐसे नहीं बोला सुरई सह असुरा मानव देवता लोग असुर लोग मानव लोग सभी चाह रहे हैं सब आ गए सब मानव आगंत्र सब आ गए रूपोजारी वयो वर्ण महिमा अक्षिप्त चित्त सह क्योंकि इंसान का चित्त अक्षिप्त हो कैसे जो है उन सब का चित्त छिप्त हो गया उसका रूप इतना सुंदर था रूपाय महिमा रूप औदार्य वय वर्ण इन चार चीजों की महिमा से उत्सित चित्त वाले सभी का जो है मन लालायित होने लगा लक्ष्मी जी हो गए और क्या कहना इंद्र ने देखा मेरी हो जाइए उनका अपने इंद्र सिंहासन को सर दे दिया अरे मेरे सिंहासन पे बैठ जाए तस्या आसन मानिए महेंद्र महद अद्भुतम मूर्तिमत्य श्री श्रेष्ठा निमकुंभ जलम शुचि तस्या आसन मानिए महेंद्र तस्या उसके लिए महेंद्र ने बड़ा आसन लिया है अपने महद अद्भुतम आसन मानिए महान अद्भुत आसन अपनी प्रसन्न कर दिया देखिएगा मूर्ति श्रेष्ठा और जितने भी नदी श्रेष्ठ नदियां थी मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई हेलु कुंभ जलम और स्वर्णमय कुंभ से शुद्ध जल को लेकर के वह सारी नदियां स्वयं से जल अभिषेक के माध्यम से पवित्र करने के लिए लग गई इस अपना मुझे नहीं मान ली भाई गंगा जल जो है जो शिव जी पर जल जाए गंगा जी प्रसन्न हो जाती है अरे मेरा जीवन सार्थक हो गया जहां से निकल के मैं कहां पाताल की ओर जा रही थी इस भगवान भोला भगत ने जो अच्छा काम किया मेरे को वापस शंकर की जगह में डाल दिया गंगा प्रसन्न उसी प्रकार से सारी नदियां जाना जब लक्ष्मी के चरणों में चल पड़ती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है भाई हम वापस अपनी कारण स्वर्ग पहुंचे इसलिए कहते हैं वह श्री श्रेष्ठा भी मूर्तिमत संत शुचि जलम भूता हेम कुंभी आदिशी चनिका भूमि आहार सकल औषधी गाव पंच पवित्राणी वसंतो मधुमाधव आदिशी चनिका भूमि अरे पृथ्वी ने भी क्या करी वह देख कर उसे भी नहीं रहा गया अरे तो बड़ी बहन आ गई है
तो अपना जितना ईश्वरीता सारी सकल औषधि भूमि आहार भूमि ने जरा सकल औषधियों को लेकर के पहुंच गई जो अभिषेचन करने योग्य था। गाव पंच पवित्राणी उसने को मधु माधव और गाय भी अपना दिव्य या पंच पवित्र पंचगव्यारी पंचगवी को प्रदान करने लगी मधु माधव और चैत्र और वैशाख चैत्र वैशाख मास ये दिव्य जो मास है ये विभिन्न प्रकार के फल पुष्प आदि सब कुछ होते हैं ये अब मास अभिमानी देवताओं ने समस्त प्रकार की चीजों को वसंत ऋतु के अभिमानी देवता ने भी अपना ऋतुमय पदार्थ प्रदान कर दिया परमात्मा को। तो देवी को ऋषि कल्पयान चक्रोर अभिषेक यथाविधि जगुर भद्राणी गंधर्वा अभिषेकम यथाविधि कल्पया ऋषि ने क्या किया यथाविधि जो है ना कौन सा श्री सूक्त का पाठ करके जो है अभिषेक करना शुरू कर दिया। जगुर भद्राण गंधर्वा गंधर्व लोग भद्र मेरे वचनों को पाठ करने लगे नत्यश्च जगुहु निरतुहु और नदियों ने क्या किया तीन प्रकार की गायन करते हुए नाचने लगी मेघा मृदंग पणव विरजानक गो मुखान यनादयन शंख वे मीना तुम्हें स्वनान मृदंग पणव मुरज आनक गोमुख विभिन्न प्रकार के जो बाजाएं हैं ये सारी बाजा अपने आप बाद तक भी मेघा भी यनादयन अपना शब्द करने लग गए शंख वेणु वीणा संभल करके तुम्हें निस्वनान विलक्षण सुंदर सुंदर अपनी अपनी बाजाओं के शब्द उलट शब्दों को विपालन करने लगे। ततो अभिषूर देवी श्रिय पद्म कराम सती विदबा पूर्ण कलशी सुप्तवाक्य विजेरी ततो अभिषूर देवी उसके बाद में वो देवी जो लक्ष्मी थी उनका अभिषेक करने लगे। कैसी देवी है पद्म कराम सती कमल हस्ता है वो ऐसा देवी का जो है कौन पूजा कर रहा है दिग्विवाह दिगाभिमानी जो हाथी है उन लोगों ने क्या किया सुप्त वाक्यों का पाठ करते हुए जो पाठ कौन कर रहे हैं विजेरी तय ही सुप्त वाक्य ही पूर्ण कलशी दिग्विवाह अभिषिचु ऐसा लेकर देना विजय लोग वहां पर सुप्त वाक्य का पाठ कर रहे हैं उसी के लिए जो है ये दिग्गज दिग के जो अभिमानी देवता बुता गजों ने क्या किया अभिषेक किया समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपहारत वरुण सृजंती मधुना मत शाम और समुद्र जो पिता है इस समय इसी के द्वारा अभी मंथन करते तो प्रकट हुई है आज समुद्र का बेटी है समुद्र तनिया देवी से कहा जाता है और समुद्र वसना कहते पृथ्वी समुद्र तनिया कहते लक्ष्मी तो इसलिए कहते कि देखो वह समुद्र के पिता ने कहा देखा ये तो भाई यौवन है और नौजवान होकर के प्रकट हो रखी मेरी बेटी और सारे लोग दुनिया चाहने लग रहे हैं कि तो बड़ा मुश्किल काम है। अब उसने सोचा कि इसका विवाह की व्यवस्था कर दे तुरंत आप समुद्र भगवान प्रकट हुए पीत कौशेय वाससी पीत कौशेय वास कहनी हुई उसके साथ समूह पर उस पर भेंट किया क्या एक माला वैजयंती माला सृजन वरुण समुद्र वरुण देवता समुद्र गंधन जो वरुण देवता ने वैजयंती सृजन मधुना मत शक्तदान ऐसी जो माला है मधुना मत शक्तदान जो शक्तद कहते जिसको आगे भ्रमरों को उनके द्वारा मत है जो मत जो शक्तद युक्त ऐसा वैजयंती माला को उसके हाथ से प्रदान कर दिया और मधुना कर मधुमास भवम मधुरी दीवा ऐसा देने मधुवास में जो होने वाले लक्षण पुष्पों से युक्त ऐसा जीव माला उसके हाथ से प्रदान कर दिया तो तुम वर को चुंदो ताकि झंझट खत्म हो जाए। अरे सब तुम लोग देखो चाहने लगे तो सबके मन तब तक खलबल चल जाए किसी का तो हो जाए एक का अतिवे जो है उसने जो है उसको वजन की माला दे दिया और एक स्वयंवर की व्यवस्था हो गई। अब सब असर अपने अपने बैठे हुए हैं सूर्य बैठे हुए हैं मनुष्य ऋषि सब लोग बैठे हुए हैं अब एक एक में भी दोष देखते जाती है लक्ष्मी और किसी को इसने माला मिल गया किसमें क्या कमी है और इसमें कैसी पूर्णता है वो बता रहे
भूषणानि चित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अचो नागाश्च कुंडने कृतस्वस्त्ययन उत्पल स्वजम नतद्विरेफां परिनिह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुखपोल कुंडलम सव्रीडहासं दधति सुशोभनम। विचित्र आभूषणों को विश्वकर्मा प्रजापति ने प्रदान किया। हारम सरस्वती सरस्वती ने एक और दिव्य हार दे दिया। पद्मम हारम पद्ममय हार को कमलमय हार को प्रदान किया। अजो नागाश्च कुंडले अज भगवान जो है और नागाओं ने क्या उसको कुंडल प्रदान किए। तथा कृत स्वस्ति अयन उत्पल सृजन इस प्रकार से कृत स्वस्ति अयन उसके शरीर का देवता मांगली शरीर होना चाहिए विवाह के योग्य उस प्रकार करने के पश्चात उत्पल सृजन और कमल की माला कम फूल की माला उसको पहना भी दिया गया है। पाणिना और उसने क्या किया जिसे गृह भ्रमर घूम रहे हैं उसको अपने हाथ में दिए हुए धीरे धीरे चलने कपोल कुंडलम ऐसा मुख है सुंदर कपोल कुंडलों के प्रकाश प्रकाशित है। सम्रीड हासम लज्जा से युक्त होकर चल रही है मुस्कुरा रही है सबको मुस्कान के से युक्त होकर देख रही है। दधति सुशोभनम इस प्रकार से सुशोभन से मुख को धारण की हुई वह लक्ष्मी चलने लगी सबका बीच में। स्थल चाति कृशोधरी समम निरंतरं चंदन कुंकुमोक्षितं ततस्ततो नूपुरगल गुसुंजितैर विसरपति हेमलते वसाबभौ स्वर्णमयी लता के समान दिखाई दे रही थी। स्तनद्वयं च अतिकृशा उदरी समम स्तनद्वय कैसा है अतिकृशोदरी समम भवति अतिकृशोदरी अतिकृशोदरी कौन होती है अतिकृश होता है जिसका हिरण में समान जीवी थी वो देख देख चल रही थी और कैसी थी वो निरंतरम कहते हैं चंदन कुंकुम उक्षितम चंदन कुंकुम गम से उक्षित थी और भी वृद्ध सुंदरता को बढ़ाई हुई थी। तपस्तो नूपुर बल घुसिंझी थी और जैसे जैसे कदम इधर उधर रखते हुए चलती थी नूपुर के सुंदर शब्दों के द्वारा सिंचा हुआ और विसर्पति हेमलता एवं साहब बहु स्वर्ण में लता के समान वह दिव्यता पूर्वक प्रकाशित हो रही थी। विलोकयन्ती निरवध्यमात्मनः आगे ना वो देख रही किसको वो खोज रही है निर्दोष कोई आत्मा है जिसको मैं अपना निरवध्यमात्मनः विलोकयन्ती निरवध्यमात्मनः पदम ध्रुवं च व्यभिचार सद्गुणं गंधर्वयक्षासु शुद्धचारण प्रविष्टपेयाशु नान्वविन्दत निर्दोष निरवध्यम आत्मनः अप्रेमीय तो निरवध्यम पदम ध्रुवम च अव्यभिचारी सद्गुणम विलोक अप्रेमीय खोज रही है ऐसा व्यक्ति हो जिसमें कोई दोष और कभी मरने न वाला पदम ध्रुवम अव्यभिचारी सद्गुण जिसमें सद्गुण के लिए विचार ना हो उसको ढूंढते हुए चलते हुए देखते हुए चल रही है। दूसरे गंधर्वों को पहले देखा उनमें भी दोष दिखाई दिया आगे बताएंगे क्या दोष यक्ष असुर सिद्ध चारण त्रिविष्ट प्रिय आज सभी में नान्न बिंदत किसी भी में ऐसा आत्मा उसको दिखाई नहीं दिया। क्यों क्योंकि देखो उन सभी में दोष है सभी वे विचारी सद्गुण वाले हैं ये सब कैसे हैं ये विचारी सद्गुणों वाले हैं ये लोग जितने गंधर्व है यक्ष है असुर है सिद्ध है चारण है और प्रविष्ट है मैंने क्या बताओ इन सभी में क्या है उनका सद्गुण का व्यभिचार होता है वो तो स्वार्थ में आकर के गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं चोरी भी कर दिया गंधर्व राजा नहीं कर दिया तो प्रजाओं के तो कहना है क्या ऐसे मैं मुस्तुकरा नहीं समझ रही कुछ बजा तेरे चोरी की मैंने अपने सद्गुण उसका बिगड़ गया। इस तरह सभी के अंदर आप ऐसे दृष्टांत को देख सकते हैं सभी में क्या है सद्गुण का व्यभिचार और व्यभिचार सद्गुण में किसी में भी चलो भाई तपस्वी महात्मा को देख लिया नूनम तपस्य न मन निर्जय ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम कच्चन महात्सन काम निर्जय ईश्वर किम पर तो व्यपाश्रय
कहती है तपस्वी तो बहुत मिलेंगे दुर्वा साहब, जो दुनिया भर के लोग हैं खड़े यहाँ, लेकिन क्या करे अब तो क्रोध को नहीं जीत पाए, तब क्रोध करते हमें थप्पड़ मारने लग जाए, क्या फायदा ऐसे लोगों का साथ देने में। ज्ञानम क्वचित, ये बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए, कहते क्या करे तुम मेरे संघ वर्जित ज्ञान में की है, इसे भी आसक्ति युक्त ज्ञान संघ वर्जित। ज्ञान का भी अभिमान, सब चीज का अभिमान लेके चल रहे ना, इतने हैं इनमें भी कहीं कहीं ज्ञान वाले भी मिल जा रहे हैं मेरे को, इन ज्ञानवान होते हुए संग रहित। कश्चित महान तो सन काम निर्जह, कोई कोई तो महान है, काम को भ्रम कर दिया शिव जी जैसा व्यक्ति, लेकिन बाद में पार्वती शादी भी करेंगे, उसका मतलब क्या न काम निर्जय सही ईश्वर तुम बड़ा दो। अरे इंद्र तो है, वो तो सब कुछ ठीक ठाक है, अरे क्या इंद्र, इसका दूसरा कोई राजा हो है, तुम सा ईश्वर पर तो व्यापार है, जो दूसरे पैर आश्रित होकर जिंदगी काटने वाला हो है, वो कोई ईश्वर राजा है, वो कोई ईश्वर है, उसे क्या शादी करना। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, वीर न पुंस्वस्य अजग अजवेग निष्कृतम, नहि द्वितीयो गुण संग वर्जित। परशुराम आदि लोग है, बड़ा धर्म के ज्ञाता लोग है ना, इनको सब शादी करो, कहते नहीं नहीं वो तो धर्म भले उनमें है लेकिन मैं भूत सौहृद निर्भयता पूर्वक सब क्षेत्र में काटते जा, ये क्षेत्र में गड़बड़ किया तो तुमने क्रोध के मारे जो 21 चक्कर काटे सारा सब क्षेत्र को वंश का सत्यानाश कर दिया, वे बात बनी। धर्म ज्ञानी होने से क्या फायदा, त्याग क्वचित, अरे भाई त्यागी तो महान है, शिवी महाराज जिसे कहा त्यागी मिलेगा, दिव्य आत्मा है, त्यागी तो है मुक्ति कारण, त्याग से मुक्ति होगा। महान वीरवान पुरुष है, तुम क्या करे, कार्तवीर आदि लोग है, दिव्य लोग है, अजवेद निष्कृतम न अजवेद निष्कृतम, अजवेद करे काल, काल का वेग से परिवर्तन भी नहीं है, नहीं द्वितीय गुण संग वर्जित हो, और गुण संग वर्जित सनकादि तो है, गुण भी नहीं, गुण का विचार नहीं, संग भी नहीं, आसक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया है, क्या कर पूरी तरह तो हमेशा दुख में रहते, उन्हें को देखे जाते हैं समाधि निष्ठता व्यर्थ में होगा, जो समाधि निष्ठ है उसे शादी करने से क्या फायदा, अरे ये भी हमारी लाठी तो सब छुट्टी पा गए, तो क्या कर सबसे आगे बढ़ गई, और उसके सामने और भी लोगों के पास जा रही है, पहले क्वचित क्षिरायुर् नहीं शील मंगलम, क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः, यत्रो भयं कुत्र च सोप्य मंगलः, सुमंगल कश्चन कांक्षते इमाम। क्वचित क्षिरायु, मानो कोई लंबी आयु वाला भी मार्कंडेय आई है, लेकिन उनका शील मंगल, मानव शरीर है, मर जाएगा पता नहीं कब क्या होएगा, उसको भरोसा है क्या, अमंगल हर कोई मंगल में शरीर भी है मान लो, और तप भी है, चिरायु भी है, हिरण कशपु है, ऐसे लोग है, कहते नवेद्य मायुष, उनकी आयु कितनी लंबी कोई भरोसा नहीं, ये त्रिवेम हर सारी चीजें हैं, जैसे शंकर भगवान कहते क्या था? वो भी श्मशान आदमी बैठा रहा सौ क्या है मंगल, वो भी अमंगल ही है, श्रीद्रे मार्कंडे आदिवादी इंजीनियर नहीं है तो भी क्या करे, वो अमंगल इसलिए क्योंकि वो भी स्मशान आदमी जाकर बैठ जाता है, भस्म उसमें लगा के बैठ गए, चिता भस्म लगाए रखता है, सुमंगल कश्चन न कांक्षते ही मां, लेकिन एक ही सुमंगल यहाँ खड़ा है लेकिन ये हमको चाहता ही नहीं, तो सुमंगल है वो भी कोई है भी सुमंगल कष्ट एक कुछ इसलिए बड़ा कर रहा है, एक ही है वो विष्णु, लेकिन वो मुझे चाहता नहीं, किसको नहीं चाहता, संसार में कुछ भी नहीं चाहता, वो अकाम पुरुष है, तो या तो गान वैसे हम बोलेंगे क्यों नहीं चाहता है, एवं विश्वाप विचार सद्गुण वरम निजेकाश्रयता गुणाश्रय वब्रिय वरम सर गुण रपेक्षित रमा मुकुंदम निरपेक्षित, निर्णय लिया चाहे वो चाहे ना चाहे मैं तो मुकुंद का ही वर्ण करूंगा, भले मुकुंद मुझे ना चाहे लेकिन मैं तो मुकुंद का ही वर्ण करूंगा, मृष्य अव्यविचार सद्गुण अव्यविचार सद्गुणों के द्वारा विचार करके निर्णय लिया, निजी का आश्रयता अगुणाश्रय अपनी
एकमात्र आश्रय रूप पाव हो सकता है वरम जो अवगुणाश्रय जो गुणाश्रय है नहीं निर्गुण निराकार विशुद्ध रूप है आत्मा है ब्रह्म है ऐसे वरम ही बबरे ऐसे वरम बबरे सर्व गुण अपेक्षित और सकल गुणों के द्वारा अपनी स्वरूप स्थिति के लिए अपेक्षित चैतन्य आत्मा है उसी को अयम रमा मुकुंदम यद्यपि मुकुंद निरपेक्ष मुकुंदम अपीक्षित वही रमा के द्वारा ईप्सित समझो तस्यांश देश उचति नव कुंज नव कंज माराम माध्यम मधु व्रत वरुथ गिरोप घुष्ठाम तस्थौ निधाय निकटे तदुर स्वधाम सव्रीड हास विकसन नयनी नयाता तस्य अंश देश उचति नव कंज माराम उसके अंश देश में विराजमान नवकंज माला को माध्यम जो कि कैसे मर्दन हो रहा है मधुव्रत वरुत गिरोप घुष्ठा मधुव्रत के झुंड के कारण से उनकी गिरा के रूप घुष्ट वाणी के जो शब्द निकलता है घुष्ट के अंदर मादित होता हुआ तस्थौ निधा उसके सामने में क्या हो गई तस्थौ तस्य अग्रे निकटे तस्थौ उसके अंश में अंश अंश देशे उस माला को निधाय उसके गले में डाल दिया माला विजय माला को है कि नहीं डाल के खड़ी हो गई तदुरा स्वधाम क्योंकि जानती है इसका जो वक्षस्थल है वही मेरा धाम सव्रीड हास विकसन नयनी नयाता सव्रीड हास विकसन लज्जा मुस्कान संयुक्त विकसित चेहरे के द्वारा जो है वह याता सा रमा तस्थो ऐसे वह खड़ी होगी लेकिन वह कहां देखेगा तस्या श्रेष्ठ जगतो जनको जनन्या वक्षो निवास मकर परम विभूत है श्री स्व प्रजा सकोण निरीक्षण यत्र साधिपति लोकान जगतो जनको जनन्या त्रिजगत जनक तीनों जगत का जनक है वो परमात्मा और इन तीनों का जनक जगत का जननी भूता श्री है उसको उसने क्या किया तो जनक निवासम वक्ष निवासम अकरोत अपने वक्ष स्थल में उस श्रिया को निवास करा लिया परम विभूते है विभूति है परमम विभूति है विभूति का जो परम स्वरूप है उसको उसने अपने स्वरूप में स्वीकार कर लिया महामाया है लक्ष्मी उसमें सारी संसार की प्रजा है अपनी प्रजा को जो है करुणा दृष्टि से देखते हुए यत्र सीता अधिधेयत साधि पत्नी त्रिलोकान तीनों लोकों के सकल अधिपतियों की स्थिति में लोगों को एक पर सदा अपना दृष्टि मात्र से वृद्धि को प्रदान करने लगी अयुधेयता क्रियापद सर्वैर्गुण अनिमान ही अपेक्षित अनिमान सकल गुणों से अपेक्षित होकर के सिद्धियों के द्वारा युक्त होकर के वह सभी में वृद्धि को प्रदान करने लगी पारस वृद्धि के द्वारा सभी को प्रसन्नता हो जाएगा विशिष्टता भूति तस्या जनन्या श्रेय परमम सुस्थिरम अयता अवर्धयति करना है ना सभी के अंदर सकल ऐश्वर्यों को वृद्धि कर दिया जितने मां से पसंद हो गया कोई निर्विरोध हो गया मैं सीता का तो विष्णु सीता अपने पास लिया था फिर विरोध हो जाता लड़ाई झगड़ा हो जाता उसका पीछे नहीं अब जो है पब्लिक में खैर हो गया ना पब्लिक के खैर बोल दिया जो है सामने जान जनता के सामने शादी करा दी सुंदर कदम और उठा के चलते हो जैसे रुक्मिणी ने उठा के ले गया कृष्ण कितना लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं वो झंझट खत्म हो गई पिता आया माला दे दिया लेके घूमी और अपने आप जिसको डाल दिया कौन क्या कहे सब चुप हो गए और सब उल्टा स्तुति कर लेते।